आपके लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के पीसी में। With far more capacities and much better resources than us are also facing huge challenge. तो ये पृष्ठभूमि है जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लॉकडाउन के एक महीने पूरे हुए हैं। तो इस 30 दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संक्षेप में मैं आपके समक्ष सारी बातों को रखना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इश्यू इज व्हाट हैज दिस 30-day लॉकडाउन डन। मुझे ये पूरा एहसास है कि दिस हैज ब्रॉट हार्डशिप टू मेनी पीपल, बट वी मस्ट एक्सप्रेस अ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हु आर फेसिंग दिस हार्डशिप टुडे सो दैट वी कैन सेव लाइव्स इन फ्यूचर। और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें। तीन प्रमुख चीज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं। पहला, वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड एंड इंक्रीज द डबलिंग डेज एज लव अग्रवाल हैज ऑलवेज बीन स्पीकिंग टू यू। सेकेंड, वी हैव बीन एबल टू कंसिस्टेंटली रैंप अप आवर टेस्टिंग। And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway whatever is required to be done we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. Hazaron log, na sirf hum jo Delhi mein baithe hue hain field mein, hazaron log is karya mein lage hue hain aur logon ne milkar और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने यह सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 डेज वी रिमेन्ड मोर और लेस स्टेबल। एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग बिफोर यू। एंड वन ऑफ द क्रिटिकल टूल्स, एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग। और व्हेन आई सेड टेस्टिंग, इट इज RT-PCR टेस्टिंग जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। ऑन द 22nd of April we have done more than 5 lakh tests. If you do a rough calculation, it is about 33 times in 30 days. But we are conscious of the fact that this is not enough, and we have to continuously move ahead and ramp testing in this country. We will continue to do that. Humne ye bhi dekha hai, और श्री अग्रवाल ने भी बताया कि इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और हमें उस बात को ध्यान में रखना है। संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूं सो दैट वी आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑलवेज कीपिंग दिस एट द बैक ऑफ आवर माइंड that this may not be enough and we need to continuously work to do more and more on this. Let us look at this. This shows the figures of these 30 days and how the number of daily tests have gone up and how the new positives have gone up.